मुझको तौफीक ऐ खुदा दे दे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जागिए, मिसरे ऐसे हैं कि इंशाल्लाह आपको जगा देंगे, डॉक्टर साहब देखिएगा। और ये दवाइयां मिसरे हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ भाई साहब, ताकि ये पता चले कि आज हम जिस सब में बैठे हुए हैं यहाँ पे दवाएं कबूल होती हैं। और ये सोच के सुनिएगा कि ये दवा कोई मामूली दवा नहीं। मेरे भाई जरा सुन लो बातें, मिसरे तुम लोग सुन लीजिएगा, तिबला तशरीफ लाइए। मुझको तौफीक ऐ खुदा दे दे, हक पे जीने का हौसला दे दे। जज़ाकअल्लाह, ये है सब आते यहाँ की। मुझको तौफीक ऐ, देखिए ये वीडियो कैमरा है और इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड करेगा कि इस दुआ में कितने लोगों के हाथ उठे हैं और कितने लोगों के हाथ नहीं उठ सके हैं। तो शेर सुनिएगा, मुझको भैया कैमरा घुमाना, मुझको तौफीक ऐ खुदा दे दे, हक पे जीने का हौसला दे दे, जिंदगी इंशाल्लाह लानत भेजेंगे। वो नज़्म की शक्ल में इंशाल्लाह मैं शुरुआत करता हूँ, यहाँ से इब्तिदा करता हूँ। एक एक मिसरा बतौर खास। जिक्र अली है जिस पर बात, नदीम ने कई दफा सुना है ये, जहां जहां इससे मुलाकात रही है। जो लोग नहीं सुने वो सुने इंशाल्लाह, शरीक हो मेरे साथ। जिक्र अली है जिस पर बात, उस पर लानत बेशुमार। एक कड़ी मैं पढ़ूंगा, दूसरी कड़ी में आपको मेरे साथ मुत्तसिल हो जाना है। जिक्र अली है जिस पर बार, उस पर लानत बेशुमार। जिक्र अली है जिस पर बार, उस पर लानत बेशुमार। और जो भी करे इसे इनकार, उस पर लानत बेशुमार। जो भी करे इसे इनकार, उस पर लानत। अब यहां से सुनो मेरे भाइयों, ऐसा लगे कि हाँ वाकई तुम ही हो महफिल सुनने के लिए, बाकी कोई नहीं है। ऐसा सुनो, मैं मिसरे पढ़ता हूं और एक एक लफ्ज पे, शोरा कहते हैं मिसरे पे तवज्जो चाहिए। अजहर में भी आदमी सीना ठोक के कहता कि मुझे लफ्ज पे तवज्जो चाहिए। जिक्र अली है जिस पर बार, उस पर लानत बेशुमार। काफी है जिसको कुरान, वो है नबी का ना फरमान। जो दांत वाले वो है वो तो दांत ही है आपके, लेकिन ऐसा नहीं है कि दांत भूल जाए मिसरे ही दोहराते रहे। तो पहली सूरत में दांत दीजिए, दूसरी सूरत में मिसरे दोहराइए, ताकि सब कुछ शामिल होता रहे, ठीक है ना। काफी है जिसको कुरान, वो है नबी का ना फरमान। आल का है जो भी गद्दार, उस पर लानत बेशुमार।
अब इस पे तुम्हें दांत देना है, इशारा कौन समझेगा किबला? इस पे बैठ के सुने तब ज्यादा मजा आएगा। अच्छा इंशाल्लाह, ये सुनिए, इशारा देखेगा मेरा मतलब मेरे नौजवान भाई भाई देखिएगा इंशाल्लाह। कायदे से जिक्र अली है जिस पर बात उस पर लानत बेशुमार, जालिम गासिब अरशा के तीनों के तीनों का है। मैंने पहले का इशारा समझना, अभी इस बार दोहराए खाली दांत तो दोहराना नहीं। जालिम गासिब अरशा के तीनों के तीनों का पर लानत दे। क्या भैया जैसा कि आप अगर देख रहे हैं इनकी क्या हालत है और ये शबे दुआ है, लिहाजा मैं दरमियान में दुआ कराता हूँ कि परवरदिगार आलम बहक्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद इस शहदाए अली को मुकम्मल बीनाई अता फरमाए। मेरा मौला जैसे ये बड़े जोरों शोर के साथ वलवले के साथ हौसले के साथ नारा लगा रहे हैं, इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त भी आए कि महफिल हो और ये अपनी आंखों को खोल के नारा लगाए सब कुछ देखते हुए। एक इनकी सभी वबादत बाबा से बलंद नारे फरमा। जैसे जहरा हो बेजार उस पर लानत बे। अब शेर सुनो, बहुत सुन चुके। जो भी फदक का गासिब है पढ़ू, अब तो मैं इधर घूम के पढ़ूंगा, देखता हूँ कौन नहीं बोलता। जरूर जो भी फदक का गासिब है उस पे तबर्रा जैसे जहरा हो बेजार उस पर लानत बेशुमार, आल कहे जो भी गद्दार उस पे लानत बेशुमार। आखिरी बंद सुनो, आल कहे जो भी गद्दार उस पे लानत बेशुमार। जहन नबी पे शक जो करे, अल्लाह हो पर अल्लाह हो पर भाई, जहन नबी तुम्हारा मिजाज देख के पढ़ रहा हूं, डायरी में तो बहुत कुछ है। जहन नबी पे शक जो करे बेसमझे बक बक जो करे, बेसमझे बक बक जो करे, वो खुद है जहनी बीमार। जब तक यहाँ
سجاد کا خطبہ نہیں ہوگا. بھائی ترنم بھی سنو اور شعر بھی سنو. جب تک یہاں سجاد کا خطبہ نہیں ہوگا, جو تخت پہ بیٹھا ہو رسوا نہیں ہوگا. جب تک یہاں سجاد کا خطبہ نہیں ہوگا. اب یہاں سے عقیدت کا شعر. تربت میں علی بیٹھے ہیں مومن کے سرانے. ارے میں کیا پڑھ رہا ہوں ذرا سنیے گا میرا دیدو. تربت 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 میں علی بیٹھے ہیں مومن کے سرانے. اب اس ہنسی کوئی نظارہ نہیں ہوگا, اب اس ہنسی کوئی نظارہ نہیں ہوگا. اب یہ شعر سنیں گے قبلہ واقعی سمجھ کے آپ سے بہت زیادہ شورائے کرام سے اپنے بھائیوں سے شعر. میرے خیال سے پوری منقبت کا شاید سب سے بڑا شعر ہو. بس سمجھنے کی کوشش کریں میرا مجمع. لورن میں حبیب آئے, لورن میں حبیب آئے پلٹ آئی جوانی. قسم خدا کی پوری مرتبہ کا محاصر شعر دے رہا ہوں مجھے. لورن لورن میں حبیب آئے پلٹ آئی جوانی. اب دین کے چہرے پہ بڑھاپا. کیا سنا میرا بندہ قسم خدا کی. اب دین کے چہرے پہ بڑھاپا نہیں ہوگا, اب دین کے چہرے پہ بڑھاپا. مدد بات تم چپ ہو گئے ہو. بڑھاپا نہیں ہوگا. تو اللہ کے ساتھ تبرہ بھی واجب ہے نا. تینوں کا برا حال تھا, تینوں تینوں کا برا حال تھا, میدان سے ڈر کر. تینوں کا برا حال تھا میدان سے ڈر کر, جس طرح جس طرح وہ بھاگے کوئی بھاگا نہیں ہوگا. اب دیکھیں دو تین شعر اور سن لیجئے. میں بولتا قرآن ہوں کہاں سہے نے سنا پر. قسم خدا کی بہت بھاری شعر ہے بھائی, اتنے ہلکے نہ سنو اسے. میں بولتا قرآن ہوں کہاں سہے سب آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں.
झोलियों को फैलाए हुए हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, दुआ समझना और जैसे चाहना काट देना। शब्बीर से मांगू तो, शब्बीर से मांगू तो मुझे वो भी मिलेगा। शब्बीर से मांगू तो, शब्बीर से मांगा नहीं, सुनो शेर, शब्बीर से मांगू तो मेरे बुजुर्ग दुआओं में आपका साथ चाहिए। शब्बीर से मांगू तो मुझे वो मिलेगा जो कुछ मेरी तकदीर में लिखा नहीं, जो कुछ मेरी तकदीर में लिखा नहीं होगा, जो कुछ मेरी तकदीर में लिखा सुने से तिबला। ये रोज़ाए आपास है, ये अभी आप थकेंगे तो मैं थकाऊंगा, पक्का बता रहा हूं मैं सबको, सुना थका नहीं हूं मैं, थकेंगे तो थका दूंगा, थकिए नहीं आप। ये रोज़ाए आपास है भाई, ये रोज़ाए आपास है, ये ये रोज़ाए शाबीर, फिर सुनो ताकि मजा आए दूसरा मिसरा सुनने में। ये रोज़ाए पास है, ये रोज़ाए शाबीर, जन्नत में इलाका कोई ऐसा नहीं, ये रोज़ाए शेर में, फिर अपनी जगह ले लूंगा। जन्नत में इलाका कोई ऐसा नहीं होगा, हम लोग हैं शब्बीर के लश्कर के सिपाही। सुन लो वादा, याद रखना इंशाल्लाह अगले साल तक। हम लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग हैं शब्बीर के लश्कर के, डॉक्टर साहब आपकी नजर कर रहा हूँ शेर। हम लोग हैं शब्बीर के लश्कर के सिपाही,